खुड़ दक्षिण नगर निगम के महापौर राजीव अग्रवाल के इस्तीफे का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रविंद्र त्यागी की अध्यक्षता में आयोजित कांग्रेस पार्षदों की बैठक में महापौर राजीव अग्रवाल ने लोकसभा चुनाव में भाजपा पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने पर सर्वसम्मति से महापौर राजीव अग्रवाल के महापौर पद से इस्तीफे की मांग उठा करके प्रस्ताव पारित किया गया। त्यागी ने कहा कि महापौर राजीव अग्रवाल द्वारा कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाजपा पार्टी का दामन थाम लिया तो सैद्धांतिक रूप से उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, जो आज दिन तक नहीं दिया है, जबकि भाजपा की सदस्यता लिए हुए लगभग 3 माह होने को है। नगर निगम में एक ही दल का महापौर और नेता प्रतिपक्ष होना नियमों के खिलाफ है। मीटिंग की है, किस बात को लेकर मीटिंग की है? भाई, मीटिंग इस बात को लेकर की गई है, जब नगर निगम के चुनाव हुए थे, कोटा उत्तर दक्षिण दो नगर निगम बने थे और दोनों जगह कांग्रेस का वोट बना था, उत्तर में भी और दक्षिण में, और दक्षिण में जो महापौर के लिए राजीव अग्रवाल का नाम कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेताओं ने, सबने मिलकर सर्वसम्मति से तय किया था और सारे पार्षदों ने उनको चुनकर भेजा था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सारे पार्षदों ने, और वो कांग्रेस के महापौर बने थे, मतलब उनमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से वोट चल रहा था। अभी लोकसभा चुनाव से पूर्व जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ और हम कोटा दक्षिण नगर निगम के महापौर जो हमारे कांग्रेस पार्टी के थे राजीव अग्रवाल जी, उन्होंने पार्टी तो छोड़ दी और पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन उन्होंने महापौर से इस्तीफा नहीं दिया, जबकि वो कांग्रेस पार्टी से चुने गए थे महापौर, उन्हें पार्टी के साथ साथ महापौर पद से भी इस्तीफा देना चाहिए। अभी हाल फिलहाल ही जब लोकसभा चुनाव में हमारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने जब आवेदन किया था, नॉमिनेशन फाइल किया था, तो उसी दिन हमारे नगर निगम दक्षिण के जो महापौर हैं उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, और चूंकि उस टाइम पे आचार संहिता लगी हुई थी तो किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया था, लेकिन पूरे कोटा शहर की जो जनता है वो आज भी असमंजस में है कि अगर महापौर कौन सी पार्टी का है, कांग्रेस का है या बीजेपी का है, अगर वो बीजेपी के हैं तो फिर नेता प्रतिपक्ष भी क्यों बीजेपी के हैं, क्योंकि संवैधानिक तौर पर दोनों पार्टी के नहीं होते।